क्या कह रहा है कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, और यहाँ पर चार विकल्प दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द लैंड वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, ठीक है, भूमि जल वायु पौधे जानवर इन सब की जो प्राकृतिक दुनिया उनको हम पर्यावरण कहते हैं। फिर कह रहा है कि एक निश्चित समय में मनुष्य को घेरने वाली कुल स्थितियों का योग जो है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे पर्यावरण। फिर कह रहा है भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों का जो परस्पर क्रिया प्रणाली उनको हम कहते हैं पर्यावरण। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ जो कि सबसे कॉमन ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एवर। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब ऐसा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न कैसा हो, प्रश्न ऐसा हो कि जहां पर आपको चारों विकल्प सही लग रहे हो और वहां पर एक विकल्प ऐसा दिया हो जहां पर ऑल ऑफ द एवर लिखा हो, तो इस प्रश्न को ध्यान रखना कि हमेशा ऑल ऑफ द एवर टिक करके आना है, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा कि जनरली ऐसे प्रश्न में जो सही होता है वो होता है ऑल ऑफ द एवर। एक बात और समझिएगा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, उन्होंने पढ़ा पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, उन्होंने पहला स्टेटमेंट देखा, लिखा कि भूमि जल वायु पौधे और जानवरों की प्राकृतिक दुनिया जो इसके पास मौजूद है, तो लोग कहेंगे हाँ ये ऑप्शन सही है, इसको टिक किया, एग्जाम के ओएमआर शीट में आंसर ए फिल किया और आगे बढ़ गए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्वेश्चन को कभी आधा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है। देखिए वो एक बात कही जाती है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो वाला काम बिल्कुल यहां पर नहीं करना है, ठीक है। आपको चारों के चारों स्टेटमेंट देखने, चौथा स्टेटमेंट अगर उपरोक्त सभी या नन ऑफ द एबव नोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान ये देना दोस्तों कि इस विकल्प को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि ये विकल्प सही क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात अगर आप लोग करेंगे तो जनरली जब उपरोक्त सभी या नोटा वाले प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग सही प्रकार से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूरा पढ़ना है पहली बात, दूसरी बात अगर प्रश्न में उपरोक्त सभी या नोटा जैसा कोई विकल्प दिया हुआ है तो उस विकल्प पर विचार करिए, सोचिए एक बार 10 सेकंड पॉज करके कि ये विकल्प सही क्यों नहीं हो सकता है, फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ये फॉलो करते रहिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए जो पर्यावरण का जो टर्म है, दरअसल ये पर्यावरण हमारा जो ईपीए 1986 है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंतर्गत पर्यावरण शब्द को डिफाइन किया गया, और डिफाइन जहां भी किया गया तो इन सभी बातों को वहां पर शामिल करते हुए 1986 का जो हमारा अधिनियम है वो इन सब चीजों को डिफाइन करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार।